हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जा रहे हैं बात करने व्यापम में जो पूरे साल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको जैसा कि पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चंस 2016 और 2017 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी व्यापम अब रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इनको वीडियोज़ को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्रतिक्रिया जरूर दें, लाइक या डिसलाइक करके, ठीक है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लग रहे हैं वीडियोस। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन जून 2018 इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। देखिए, जून 2018 में जो मोदी जी के द्वारा सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया वो है मोहनपुरा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप ध्यान रखें करीब 3866 करोड़ या अप्रोक्स आप बोल सकते हो कि 3800 करोड़ लागत की जो परियोजना है, इसमें खेतों तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जा रही है इसमें, ठीक हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है देश की सब पहली लंबी पाइपलाइन है जिससे प्रेशर से खेतों में सिंचाई की जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये देश की पहली ऐसी परियोजना है, ठीक है। और ये जो बना है ये नेवाज जो रिवर है उसके ऊपर बना है, राजगढ़ जिले में नेवाज नदी पर ये परियोजना या डैम बन रही है। और इससे करीब 727 स्टेट के करीब 727 जो विलेज हैं वो इससे मतलब बेनिफिट उनको मिलेगा, और करीब 1.25 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ये इससे सिंचाई करेगा, और करीब जो ड्रिंकिंग वाटर है वो करीब 400 विलेजेस तक ये पहुंचाएगा, 400 विलेजेस तक, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है यहाँ पे, इट इज़ नियर विलेज बांसखेड़ी इन डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, तो वो गांव कौन सा है, वो है आपका बांसखेड़ी। तो इतने पॉइंट्स अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, द फिफ्थ नदी महोत्सव इन मार्च 2018 वॉज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में पांचवा नदी महोत्सव आयोजित किया गया था। तो पांचवा जो नदी महोत्सव है ये आयोजित किया था, आपको पता होना चाहिए 2008 से ये जो नदी महोत्सव है ये स्टार्ट होता है। और इस बार जो था इसका जो मतलब जो टाइटल था, जो थीम बोलनी चाहिए, वो रिवर्स को लेके था कि जो रिवर्स है उनको कैसे बचाया जाए, इस तरीके की चीज़ें इसमें डिस्कस हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये होता है मध्य प्रदेश में, तो ये होशंगाबाद में आपका हुआ था, होशंगाबाद जिले में, ठीक है, नर्मदा नदी के आसपास ये हुआ था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट लोन एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विद न्यू डेवलपमेंट बैंक इज फॉर डैस इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में डैस के लिए नए विकास बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया। तो देखिए, ये जो है आपका ये डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स प्रोजेक्ट, उसके लिए किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, इसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, और प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन करने के लिए ये जो एग्रीमेंट किया गया है इसके लिए है। नेक्स्ट है, नेम द टैग दैट हैज बीन गिवन टू द फेमस कड़कनाथ चिकन इन मध्य प्रदेश ऑन अगस्त 2018। तो अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया था, तो देखिए इसके बारे में हमने आपको बताया था, मध्य प्रदेश के जो GI टैग हैं उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। MPGK की जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरा आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस किस चीज़ों को GI टैग दिया गया, जैसे आपके रतलामी सेब हैं उनको GI टैग दिया गया है, तो ये किस एरिया में आता है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप देख लें। और देखिए, ये जो GI टैग दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, सब इस वीडियो में है, ठीक है। तो ये इसका GI आंसर है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI यानी इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेत, तो इसके द्वारा ये टैग दिया जाता है। इससे पहले अभी वेस्ट बंगाल को जो रसगुल्ला था उसको रसगुल्ला के ऊपर GI टैग दिया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एग्रीड टू हेल्प मध्य प्रदेश फाइनेंशियली फॉर इरीगेशन एफिशेंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है। तो देखिए, इसको हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना, सिंचाई के लिए या सिंचाई की जो क्षमता है उसको सुधारने के लिए ये जो मतलब लोन देने के लिए मतलब जो बैंक राज्य हुआ है वो है आपका एशियन विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक।
नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया टू गेट एन ऑफिशियल मैस्कॉट। तो आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो ये भी देखिए, जनवरी का मेरे ख्याल से करंट अफेयर है, जनवरी 2017 का करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये भी आप हमारा जो एमपी करंट अफेयर की जो वेबसाइट है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल डिस्कस किया था कि किसने बनाया है और क्यों इसको बनाया गया, सब कुछ उसमें दिया था। तो ये जो आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्य जीव रिजर्व है, वो है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। प्रथम है और अभी इकलौता भी है, क्योंकि इसके बाद अभी किसी को और आधिकारिक शुभंकर उसके बाद से नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का पहला आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला और भारत का पहला शुभंकर प्राप्त करने वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका, मतलब नेशनल पार्क आपका होगा। नेक्स्ट है, नेम द स्कीम लॉन्च्ड इन 2018 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज पावर फॉर लेबर्स एंड पुअर फैमिलीज। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो ये 2018 में शुरू की गई है, ये आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये अगले साल जो पटवारी का एग्जाम होगा या जब भी एग्जाम होगा उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो योजना है, ये है आपकी संबल योजना, और इस योजना का जो पूरा नाम है वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। तो गरीबी रेखा यानी बीपीएल से नीचे रहने वाले परिवारों को केवल 200 रुपये महीने चुकाकर बिजली इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाएगी। तो ये है इसका प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। तो 200 रुपये भी अपने को याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। इन 2017 वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एल्गी फोजल वॉज डिस्कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, यानी कि 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था। तो ये देखिए, लास्ट ईयर का ही करंट अफेयर है। तो ये है हमारा चित्रकूट, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट्स जनरल बॉडी ऑफ राज्य आनंद संस्थान, यानी मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके सामान्य निकाय के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि अभी इसके जो हैं वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इन मध्य प्रदेश। हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन से संबंधित हमने डिस्कस किए थे। ये है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया। तो ये है हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ICCC, ये याद रखें आप, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट इन एमपी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर द आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए डैश को चयनित किया गया। तो ये जो शहर है जिसको चयनित किया गया है, ये है हमारा खजुराहो। कड़कनाथ मीट दैट रिसेंटली गॉट GI टैग इज अ स्पेशलिटी ऑफ भिज मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, यानी कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, ये मुर्गा है एक्चुअली, मांस नहीं है, मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है, चिकन है ये एक्चुअली, ठीक है। तो ये है आपका झाबुआ जिले की विशेषता। तो हमारी जो इससे लड़ाई है वो किससे चल रही थी GI टैग के लिए, वो चल रही थी छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो था वो कह रहा था कि ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, और मध्य प्रदेश कह रहा था कि हमारे यहाँ का, तो दोनों में से मध्य प्रदेश का GI टैग फाइनल हुआ है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स 2018 स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश स्टूड सेकेंड इन द रैंकिंग, यानी शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है हमारा भोपाल को, और इसमें जो पहला स्थान है वो किसको दिया गया, इंदौर को। इंदौर लास्ट ईयर भी फर्स्ट था और इस साल भी फर्स्ट है, भोपाल लास्ट ईयर भी सेकेंड था और इस साल भी सेकेंड ही है। अगला है, द जैन मॉन्क तरुण सागरबाज बॉर्न इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, अभी हाल में ही इन्होंने समाधि ले ली है, ठीक है, अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो ये है आपका दमोह जिले में इनका जन्म हुआ था। द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी प्राइवेटाइज्ड इन इंडिया इज लोकेटेड इन,
तो ये है भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, लास्ट ईयर का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये है हमारा हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, भोपाल का एक पार्ट है। भोपाल में एक्चुअली दो रेलवे स्टेशन है जिसमें से एक भोपाल है और एक का हबीबगंज है। तो जो हबीबगंज है इसको कई बार अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं, ठीक है। तो हबीबगंज ही है जो सबसे पहले, और ये जो बंसल ग्रुप को ये काम दिया गया है, भोपाल स्थित बंसल ग्रुप जो है वो ये काम कर रहा है पीपीपी योजना के तहत। नेक्स्ट है, द जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप इज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप जैसे में स्थापित की जाएगी, तो यह है आपका पीथमपुर। तो पीथमपुर में जापानी टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्टेब्लिश करी जाएगी। वेयर वॉज द फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट हेल्ड इन जनवरी 2018। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया था इंदौर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्पीसीज ऑफ टोर्टोइज फाउंड इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजातियां पाई गई। तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट करने के लिए दे रहा हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति मध्य प्रदेश में पाई गई। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा वीडियो। अगर प्रयास आपको अच्छा लगा है तो लाइक या डिसलाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू।